कमाल माय चैनल, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सभी लोग जा रहे हैं आईफोन लेने, और यू नो व्हाट, तो आईफोन तो आपको पता है ना क्या चीज़ है। अब ये नहीं पता कि हमको कौन सा लेना है, क्या लेना है, क्योंकि वो एक सरप्राइज़ है, वो अभी नहीं बताऊंगी मैं। लेकिन बस इतना पता है कि आईफोन लेने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। मैं अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो रेडी होना पड़ेगा। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, खुद को ग्रूम कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं। We are ready and अब हम लोग चलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी पहुंच चुके हैं वहाँ पे शॉप पर। लेकिन एक्चुअली ऐसा सीन है कि अभी उनको पता नहीं कि कौन सा लेना है, क्या लेना है, इसलिए जब उतरेंगे तभी पता पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम लोग शॉप पर पहुंच चुके हैं, तो अभी शॉप में जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं मिला तो कहीं और भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक रियली कम है। भाई ने बहुत बार पूछा था सबसे कि इधर पूछ लेते हैं, उधर पूछ लेते हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ही कम था। तो शायद इसी शॉप पर अवेलेबल है अभी तक पूरे हमारे सिटी में, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो फिर जाना ही पड़ेगा दूसरी जगह। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द कंडीशन, तो उसके बारे में बता सकेंगे क्या होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। आ गए फाइनली। पानी देना। डेस्टिनेशन तो पहुंच गए। तो जहाँ इस वक्त हम लोग आए हुए हैं वहाँ पे पूरा भी टेक हब है। तो वहाँ पे पूरी इतनी सारी दुकानें हैं कि शायद हमें केवल और केवल दुकान ही चेंज करनी पड़े, जगह छोड़ के तो ना जाना पड़े। पूरा टेक हब मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए आप ऊपर से लेके नीचे तक सारी जितनी भी शॉप्स है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स है। और यहाँ हर एक शॉप पे आपको हर एक रेट में अलग तरीके से आपको कुछ भी मिल जाएगा, कोई भी गैजेट। दिस इज़ लाइक अ गैजेट हब। तो आप देखते हैं, जो पहली शॉप पे मैं गई थी जहाँ से अपना लैपटॉप लेने, अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। वो तो मैं करूँगी, आप अपनी शॉप का नाम बता दीजिए। द मोबाइल प्लस। ओके ओके। ये तो उसका कवर है। ये कच्चा आईफोन है, कवर अंदर से इसे हमने खा रखा है। हाँ। बार-बार से पढ़ता हो तो हमने खरीद लिया है। हाँ। और एक ही शॉप पे काम हो गया। तूने बताया नहीं था, तूने फोन किया था हम लोगों को। मेरी जेब में रखा है, मुझे ऐसे डर सा लग रहा है। नहीं मत डर बेबू, तेरी जेब फटेगी नहीं, ना मत कर। तेरी जेब में बजरंग बली की गदा नहीं रखी, वो नहीं है बस। सो फाइनली द परचेज, एक ही शॉप पे काम हो गया।
काफ़ी देर लगी, कम से कम एक घंटा तो लगी गया हम लोग को पूरी परचेजिंग में। और बीच में आपको एक और चीज़, हाँ कम से कम एक घंटा पूरा हमको लगी गया पूरी परचेजिंग में। और एक सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ मैं हुई आपको बता देती हूँ, मेरे पास फ्लिपकार्ट का कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। पूरा इंटरव्यू मैंने ऐसी चीची चाचा परफॉर्म दिया है और उन्होंने मुझे पता है सिलेक्ट भी कर लिया शायद। तो अब मैं बाकी की सारी प्रोसेस के लिए उन्होंने ट्यूसडे को मुझे बुलाया। तो ऐसा है कि ट्यूसडे को, मंडे को तो मेरा पेपर है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मेरे स्टार्ट हो गए, और ट्यूसडे को मुझे बताना पड़ेगा कि मतलब वो जिस भी के लिए शायद ट्रेनिंग के लिए बुला रहे जहाँ तक है शायद, लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। सब हम लोग घर पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख हो रही है, खाना भी नहीं खाया है, बहुत भूख भी लग रही है। तो मैं सीधे घर चल के आप सभी से मिलती हूँ, और तब तक के लिए आई वुड लाइक टू शट माई कैमरा। तो एप्पल आ गया है, मेरा नहीं है एक्चुअली, मैं बता दूँ मेरे फादर का फ़ोन है, लेकिन हाँ बस वही है ना कि अब ले लिया है एप्पल का फ़ोन है तो फिर अनबॉक्सिंग करनी तो बनती है ना। तो अनबॉक्सिंग मैंने, हम लोगों ने मेरे हाथों से, मेरे पापा ने स्पेशली मेरे हाथों से करवाई थी अनबॉक्सिंग, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कैलिफोर्निया। बस शो ऑफ के स्टिकर, शो ऑफ के स्टिकर ही है, कौन जानेगा इन्हें। सेल इजेक्टर टूल, ये इसकी लीड है, तो चार्ज करने वाली। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ मेरी एक बात सुन लीजिएगा कि ये जो पूरी तरीके से मैंने जो अनबॉक्सिंग करी है बहुत ही अनप्रोफेशनल है, लेकिन अब जब ले ही आए थे तो प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल किस चीज़ का काम। तो अब आप देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। टिल देन बाय, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट लव यू ऑल। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। आप सभी का स्वागत है।